हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीएससी एग्जाम 2019, आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम जो आया था वो इजी नहीं आया था, ना ही मॉडरेट आया था। मॉडरेट टू टफ कंसीडर किया गया है एग्जाम को, और यूपी की जीके बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है, और काफी सारे क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल बेस पूछे गए हैं। तो मैं इस वीडियो में आंसर की डिस्कस करूंगा, आप प्लीज मैच जरूर कीजिएगा आंसर की, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन एक्यूरेट रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक हैं। इसका गाइज, इसका आंसर है ए। क्या आंसर है इसका? ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइज, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इसका है डी आंसर, ठीक है। इसका डी आंसर है, ठीक है। तो फटाफट चलेंगे। वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गाइस, इसका आंसर है फोर्थ। क्या आंसर है इसका? फोर्थ। आई होप आपका आंसर करेक्ट होगा। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रभाव की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर अवस्थित है? इसका आंसर है बी, यानी कि मैसूर में, ठीक है। क्या आंसर है? मैसूर में। भारत द्वारा भूमि संरक्षण प्रतिष्ठा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी, 2030 तक, ठीक है। आई होप आपके यहां तक क्वेश्चन ठीक होंगे, और मैं ये बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर जो है इतना आसान नहीं आता, बहुत ही मॉडरेट ऑफ कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, एट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान सेकंड अंतरिक्ष यान को प्रतिष्ठित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिग्नल्स उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, ठीक है। एट आंसर है, एट का आंसर है ए, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए। नाइन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गाइस, इसका आंसर है नाइन्थ का सी। क्या आंसर है? सी, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो गाइस, इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। ग्यारहवीं का देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? इलेवन का आंसर है, इलेवन का आंसर है ए आंसर, ठीक है। इलेवन का क्या है आंसर? ए आंसर। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशेषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो गाइस, बारहवीं का आंसर है ए। बारहवीं का आंसर क्या है? ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो गाइस, तेरहवीं का आंसर हो जाएगा डी। तेरहवीं का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। और चौदह में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो गाइस, चौदह का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कपास, ठीक है, कपास। नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन। गाइस, पंद्रहवें का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पंद्रहवें का आंसर क्या है? सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। पहला और संचालन और स्वयं एवं विकीकरण, गाइस जल्दी डिस्कस करेंगे। सोलह का आंसर क्या होगा? देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो सोलहवें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सोलहवें का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? किसमें विद्यमान है? सत्रहवें का हो जाएगा सी आंसर, ठीक है, जिसमें क्या है? सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? अठारहवें का आंसर हो जाएगा गाइस ए। अठारहवें का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब गाइस, 19वें क्वेश्चन चलते हैं। 19वें देखिए, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण है? गाइस, 19वें आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी आंसर। 20वें क्वेश्चन चलते हैं गाइस, 20वें का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 20वें का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 21वें का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। मानव ग्रंथि विधियों से परिवर्तित प्रावरण कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22वें का बी, ठीक है, 22वें का बी। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? गाइस 23वीं का हो जाएगा आंसर ए, ठीक है 23वीं का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? गाइस 24वीं का आंसर हो जाएगा ए, 24वीं आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है 24वीं का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 25वें चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? 25वें का आंसर हो जाएगा डी, 25वें का आंसर हो जाएगा डी, 25वें आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? 26वें का आंसर हो जाएगा गाइस ए आंसर, ठीक है 26वें का ए आंसर। जल्दी चलते हैं, और गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो 27वें आंसर हो जाएगा गाइस डी आंसर, ठीक है डी आंसर, ठीक है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा, आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सही मार्क्स हो रहे हैं तो करेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठन का सचिवालय वर्तमान किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, गुरुग्राम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस 29वां, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? 29वां आंसर हो जाएगा सी, ठीक है 29वां आंसर हो जाएगा सी। 30वां आंसर क्या है? 30वां आंसर हो जाएगा गाइस ए आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए, ठीक है। फटाफट देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, इसका आंसर क्या है? 31वां का पहला, दूसरा, तीसरा, इसका है यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, यानी कि डी आंसर, ठीक है 31वां डी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके पहलम के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुटों में से सही उचित चुनिए, यानी कि 32वां आंसर क्या जाएगा? 32वां आंसर आएगा इस बी, ठीक है बी के अकॉर्डिंग है। 33वें का आंसर हम लोग चलते हैं, इसका आंसर है बी, ठीक है बी आंसर। 21वें का 21 दिन, ठीक है। 34वें क्वेश्चन चलते हैं, कहीं देखिए 34वें का जो क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा आई थिंक सी होगा, अगर आपको कोई लगता है तो आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 35वें का आंसर चलते हैं गाइस ए। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपको ये नहीं चाहता कि कहीं से भी कोई भी गलत मैं बताऊं, 34वें का मुझे थोड़ा डाउट लगा इसलिए मैंने आपको सी बताया आंसर, और आपको जो आंसर लगता है आप जो करेक्ट करके आए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। 35वें का आंसर चलते हैं गाइस, 35वें का ए आंसर, ठीक है 35वें का है गाइस ए आंसर, सर और मैम ए आंसर, ठीक है। 36वें का आंसर चलते हैं, 36वें का 36 का है ए आंसर, ठीक है ए आंसर। 37, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? यानी कि 37 का आंसर हो सकता है बी आंसर, ठीक है 37 का बी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 38वें का आंसर हो जाएगा, देखिए 38वें का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि सी आंसर होने का, आप क्या आंसर करके आए हो, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 39वें का जो आंसर है वो डी आंसर है, ठीक है डी आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट 40वें चलते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40वें का आंसर देखते हैं, 40वें आंसर है सी आंसर, ठीक है सी आंसर, ठीक है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों चार, यानी सी आंसर, ठीक है सी। 40वें चलते हैं, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है? ठीक है इसका आंसर हो जाएगा गाइस 41वें का आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है 41वें का आंसर हो जाएगा डी आंसर। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, कहीं देखिए 42वें का आंसर होगा ए, ठीक है 42वें का है उत्तर अटलांटिक कटक का, ठीक है। आई होप आपके आंसर काफी ठीक हो रहेंगे, जितने भी आंसर आपके गाइस ठीक होते जा रहे हैं प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। 43वें का देखते हैं गाइस, 43वें का डी आंसर, ठीक है 43वें का डी आंसर, ठीक है। 44वें चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर समीपी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? 44वें का आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है सी आंसर सोची, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? 45वें का हो जाएगा डी आंसर, 45वें का डी आंसर। 46वें देखते हैं, देखिए 46वें का आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है 46वें का आंसर हो जाएगा डी आंसर।
देखिए 47, अब हम लोग देखते हैं 47 में क्वेश्चन, ठीक है। 47 निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, तो 47 में का आंसर हो जाएगा गाइस ए आंसर, ठीक है, ए आंसर, ठीक है। और 48 में का अभी पता नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, गूगल पे देखना पड़ेगा, तो टिपिकल कॉन्सेप्ट है थोड़ा। 49 में देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो 49 में का आंसर है गाइस बी आंसर, ठीक है, 49 का आंसर का बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 50 में का आंसर है सी आंसर, ठीक है, बंगाल डेल्टा, क्या आंसर है, बंगाल डेल्टा, क्या आंसर है, बंगाल डेल्टा, ठीक है। 51वें का आंसर है बी आंसर, क्या है, बी आंसर, ठीक है, क्या आंसर है, बी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसका 52वें का आंसर है गाइस डी आंसर, ठीक है, डी आंसर, ठीक है, डी आंसर। गाइस अब हम लोग देखते हैं 53वां, ठीक है, 53वें का आंसर देखते हैं, 53 का आंसर है गाइस बी आंसर, ठीक है, बी आंसर, ठीक है, बी आंसर। मैं गाइस मैं बताना चाहूंगा जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, जितने मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, देखे हैं पहले, तो आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 53 का आंसर जैसे कि मैंने आपको बता दिया बी आंसर, ठीक है, क्या आंसर है, बी आंसर। 54 का चलते हैं, निम्नलिखित में से राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर है ए आंसर, ठीक है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है, 54 का आंसर ए आंसर, ठीक है, 54 का ए आंसर है। 55 का आंसर देखते हैं, 55 का आंसर है बी आंसर, ठीक है, बी आंसर, बी। 56 का चलते हैं, निम्नलिखित में से स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए गुटों में से सही उत्तर चुनिए, 56वें का आंसर है बी आंसर, ठीक है, 56वें का आंसर क्या है, बी आंसर, ठीक है। 57वां हम चलते हैं, 57वां जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 57 का आंसर है ए आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, केवल ए आंसर है, केवल एक आंसर है, यानी कि मनुष्य बंधारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, किया। 58 का देखते हैं, 58 का गाइस सी आंसर, ठीक है, 58 का है सी आंसर, सी। निम्नलिखित में घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, 59 का आंसर है सी आंसर, ठीक है, 59 का है सी आंसर, सी आंसर। सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और 60 का आंसर हो गया गाइस, 60 का आंसर है ए आंसर, केवल एक है, ठीक है, केवल एक है। अब हम लोग देखते हैं 61 का देखते हैं, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था, जी गाइस 61 का आंसर है बी आंसर, ठीक है, बी आंसर, राजगोपालाचारी, ठीक है। 62 का आंसर देखते हैं, देखिए 62 का आंसर है डी आंसर, ठीक है, डी, बिपिन चंद्र, ठीक है। 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संबंधन तथा वन्य जीवन के रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, 63 का सी आंसर, ठीक है, सी आंसर, पहला और बी। 64 का आंसर देखते हैं, 64 का आंसर है, देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से बी आंसर है, आप क्या आंसर लगा, क्या है आपके अकॉर्डिंग क्या है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 65 का मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है, 65 का आंसर क्या है, बी आंसर, ठीक है, 65 का आंसर क्या है, बी आंसर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ने गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, इसका 66 का आंसर क्या हो गया, सी आंसर, ठीक है, सी आंसर। 67 किसने कहा भारत एक अंध संघात्मक राज्य है, 67 क्या है, डी आंसर, ठीक है, 67 क्या है, डी आंसर। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए, 68 का आंसर क्या है, 68 का आंसर क्या है, सी। और 69 का आंसर क्या है, 69 का आंसर है ए आंसर, ठीक है, 69 का क्या है, ए आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय प्रजाति
पंचायती राज दिवस कब दिवस मनाया जाता है? 70 का आंसर क्या? डी आंसर, ठीक है, 70 का आंसर क्या? डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 42वें संबंधी संशोधन, 71वें का आंसर क्या है? डी आंसर, क्या है? डी आंसर, अनुच्छेद 43A। और 72 का आंसर क्या है? संविधान के प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? 72 का आंसर क्या है? 72 का आंसर क्या? बी आंसर, ठीक है, जय लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्या आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 73 का, अब हम गाइस देखते हैं 73 का आंसर देखते हैं। 73 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? 73वें का आंसर है गाइस ए आंसर, ठीक है, क्या है? ए आंसर। 70 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर के विधव के खजुआरों के रूप में मनाया जाता है? 74 का आंसर है ए आंसर, ठीक है, 74 का आंसर ए आंसर। 75 को चलते हैं, 75 का है बी आंसर, ठीक है, क्या आंसर है? बी आंसर। जितने भी क्वेश्चन का आपके सही होते जा रहे हैं, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की? 76 का आंसर डी आंसर, ठीक है, डी आंसर। नीति आयोग के अनुसार भारत में संचार 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो 77 का आंसर है डी आंसर, ठीक है, क्या आंसर है? डी आंसर। नेक्स्ट चलते गए 78 का आंसर है डी आंसर, ठीक है, डी आंसर, ठीक है। 79 का आंसर है सी आंसर, ठीक है, सी आंसर, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? यह 80वीं का आंसर क्या है गाइस? डी आंसर, ठीक है, 80वीं का आंसर है डी आंसर। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी के पुस्तक चिड़ूसी का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? 81 का आंसर है सी आंसर, 81 का आंसर सी आंसर, बांस कला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? 82 का आंसर क्या गाइस? 82 का आंसर है सी आंसर, ठीक है, 82 का सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 83 पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? वो किस खेल से संबंधित है? सी, यानी कि गोला फेंक से, ठीक है, गोला फेंक से। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया? 84 का आंसर है डी आंसर, ठीक है, 84 का आंसर क्या है? डी आंसर, न्यूयॉर्क से, ठीक है, 84 का आंसर क्या है? डी आंसर। आई होप आपके आंसर करेक्ट हो रहेंगे। जो क्वेश्चन रिमेनिंग है मैं आपको इन्फॉर्म कर दोबारा बता दूंगा, ठीक है। हम 90 का क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचलन निम्नलिखित में से निम्नांकित अनुरूप किया जाता है? 90 का आंसर है, 90 का आंसर है ए आंसर, ठीक है, ए आंसर, ठीक है, क्या है? ए आंसर। डोंट वरी, जो भी क्वेश्चन छूटा मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 91 का आंसर है, 91 का आंसर सी आंसर, ठीक है, 91 का आंसर क्या है? सी आंसर। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, निम्नलिखित किसका अभाव होता है? 92 का आंसर क्या है इसमें? 92 का आंसर क्या है? ए आंसर, ठीक है, लोहे, 92 का आंसर ए। 93 का आंसर क्या है? निम्नलिखित में पदार्थों के उनके पहली बार प्रयोगशाला संश्लेषण के कलानुमान कीजिए। 93 का आंसर है गाइस, 93 का आंसर सी आंसर, ठीक है, सी आंसर। और 94 का आंसर है, 94 का आंसर है डी आंसर, ठीक है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? 95 का है डी आंसर, ठीक है, 95 का है डी आंसर। 96 देखते हैं गाइस, 96 का आंसर है सी आंसर, ठीक है, 96 का पहला और दूसरा यानी कि सी आंसर है, ठीक है। 97 हम क्वेश्चन देखते हैं, 97 का है डी आंसर, ठीक है, 97 का डी आंसर, ठीक है। और गाइस जैसे बताना चाहूंगा, 98 का वैसे जहां तक आंसर ए है, आप आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग, आपके आंसर लगा के प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, वैसे ए लग रहा है आंसर। 99 का देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, 99 का आंसर क्या है? 99 का आंसर है बी आंसर, ठीक है, 99 की घटती है यानी कि बी आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्माण से निर्धारण से संबंधित है? 100वें का आंसर क्या है? डी आंसर, नीला हरा सवाल, ठीक है, डी आंसर। गाइस अब हम लोग देखते हैं 101 का आंसर, ठीक है, 101 का आंसर है, देखिए 101 का जो आंसर है वो है डी आंसर, ठीक है, क्या आंसर है?
डी आंसर नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है 101 यानी कि डी आंसर, 101 का आंसर क्या है डी आंसर, ठीक है। 102 का देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपस्थिति के उपस्थितिकरण के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या है गाइस, 102 का आंसर है बी आंसर, ठीक है प्राइमरी संरक्षण बी आंसर, क्या आंसर है बी आंसर, शाम यानी कि 103 का आंसर है डी आंसर, ठीक है। सीमेंट का तारा क्या है, सीमेंट का तारा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, 104 का आंसर है सी आंसर, 104 का आंसर सी आंसर, पश्चिमी घाट 105 का आंसर है, 105 का आंसर है सी आंसर, ठीक है सी आंसर, नीति आयोग, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, ठीक है इसका 105 का आंसर क्या है सी आंसर, ठीक है नीति आयोग। नेक्स्ट चलते हैं लघु उद्योग के लिए बनी निम्न संपत्तियों के लिए कानून क्रम के समस्त व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कोटों में से 106 का आंसर क्या है गाइस, इसका आंसर गाइस जैसा कि आंसर ज्यादा पॉसिबल डी आंसर है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं गाइस 107वें का आंसर देखते हैं, देखिए 107वें का जो आंसर है गाइस वो है 107वें का आंसर सी आंसर, ठीक है क्या आंसर है सी आंसर, ठीक है। और 108वें का आंसर है, 108वें का आप आंसर देखोगे सी आंसर, ठीक है सी आंसर। 109वें का आंसर देखते हैं, भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशो घट रहा है क्योंकि, 109 का आंसर क्या है सी आंसर, यानी कि 15.59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, ठीक है। निकलते हैं 110 का आंसर क्या है, 110 का आंसर है गाइस, 110 का नहीं पता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब गाइस हम 111वां क्वेश्चन देखते हैं, 111वें क्वेश्चन का गाइस आंसर है ए आंसर, ठीक है इसका आंसर क्या है ए आंसर है, ठीक है। निकलते हैं, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, 112 का आंसर है ए आंसर, ठीक है ए आंसर। 113 का आंसर देखते हैं, देखिए 113 का आंसर जो है ए आंसर, ठीक है क्या है ए आंसर। 114वें का आंसर देखते हैं, 114 का आंसर है ए आंसर, ठीक है ए आंसर। 115वें का आंसर देखते हैं, भारत का वैश्विक भूख सूचालक सूचक 115वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है 100वां, ठीक है ए आंसर। उसके बाद देखते हैं 116वें का आंसर देखते हैं, 116वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है ए आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 117वें का आंसर, 117वें का आंसर गाइस ए आंसर, ठीक है 117वें का आंसर है ए आंसर। 118वें का आंसर देखते हैं, 118वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, 119वें का आंसर है डी आंसर, ठीक है डी आंसर। 117वें का आंसर क्या है, 117वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है 117 का ए आंसर। फटाफट देखते हैं 118वें का आंसर क्या है, 118वें का ए आंसर, ठीक है ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, 119वें का आंसर है गाइस डी आंसर, ठीक है डी आंसर। 120वें का आंसर, 120वें का आंसर है गाइस ए आंसर, ठीक है 120वें का आंसर क्या है, 120वें का आंसर ए आंसर, ठीक है। और 121वें का आंसर है, 121वें का आंसर है बी आंसर, ठीक है बी आंसर। 122वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है ए आंसर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर एक उदाहरण है, इसमें 23वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है। 124वें का आंसर अभी पता नहीं है, मैं पता करके आपको बता दूंगा, ठीक है। 125वें का आंसर है डी आंसर, ठीक है थोड़ा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा जब ही पता चल पाएगा, ठीक है इसे डी आंसर, ठीक है मैं डोंट वरी मैं 124वें का आंसर आपको बता दूंगा। उसके बाद हम लेके चलते हैं, देखिए 125वें यानी कि 125वें का आंसर है यहाँ पे, यानी कि 125वें का आंसर है डी आंसर, ठीक है यहाँ क्या है डी आंसर, ठीक है उच्च कटिबंधीय सवर्ण प्रदेश। 126वें का आंसर देखते हैं, 126वें का आंसर देखते हैं बी आंसर, ठीक है बी आंसर केवल 2/3, ठीक है। 127वें का आंसर देखते हैं, 127वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है
सॉरी ए आंसर, ठीक है ए आंसर। 127वें का आंसर क्या है? ए आंसर। 28वें चलते हैं, 28वें का आंसर गाइज, 28वें का आंसर ए आंसर, ठीक है 28वें का है ए आंसर, ठीक है। 129 में का हट योग के संदर्भ में निर्मित में से कौन सा कथन सही है? 129 में का आंसर हो गया सी आंसर, ठीक है सी आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 130 में आंसर, 130 में का आंसर है सी आंसर, ठीक है इसका क्या है सी आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 131 में का आंसर है सी आंसर, ठीक है सी आंसर। फटाफट चलते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 132 में का आंसर है बी आंसर, ठीक है 132 में का बी आंसर। 133 में का आंसर है गाइस, 133 में का आंसर है बी आंसर, ठीक है बी आंसर। 134 में का आंसर है डी आंसर, ठीक है 134 में आंसर क्या डी आंसर। 135 में चलते हैं गाइस, 135 में का आंसर है सी आंसर, ठीक है क्या है सी आंसर। 136 में का आंसर है ए आंसर, ठीक है। INA के अधिकारियों का पर मुकदमा चलाया गया था? 136वें का आंसर क्या हो गया ए आंसर, ठीक है लाल किस लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। 137वें का आंसर तो पता नहीं है, गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, तो डीपली है देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा आंसर, ठीक है डोंट वरी। मैं आपको जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं वो मैं आपको बता दूंगा। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा की कथन सही है? 138वें का आंसर क्या है डी आंसर, क्या है डी आंसर, डी आंसर, ठीक है। 139 में चलते हैं, 139 में का आंसर है सी आंसर, ठीक है सी आंसर। 1976 में 140 का आंसर है, 140 का देखते हैं, 140 का है पॉसिबिलिटी के ए आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है ए आंसर है। 141 में आंसर देखते हैं, 141 में आंसर सी आंसर, ठीक है क्या है 141 में सी आंसर। 142 में देखते हैं, 142 में का है सी आंसर गाइस, ठीक है इसका आंसर भी क्या है, इसका 142 में का आंसर है सी आंसर, ठीक है क्या है सी आंसर। 143 में देखते हैं, 143 में का है सी आंसर, इसका भी सी है, ठीक है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी आंसर। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने हिस्से हैं? क्या है 144वें का आंसर है सी आंसर, जो तो आप जानते हैं 29, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, बहुत क्लोज है, जितने भी गाइस आपके आंसर ठीक होते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए। 145वें का आंसर है सी आंसर, ठीक है क्या है सी आंसर। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? 146वें का आंसर है, 146वें का आंसर है ए आंसर, ठीक है क्या आंसर ए आंसर। और इससे पहले के 145वें आंसर मैंने बताया आपको सी आंसर, ठीक है केवल वन, ठीक है 145वें का सी हो गया, 146वें का ए हो गया, ठीक है। 47वें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 147वें का आंसर हो गया सी आंसर, ठीक है इसका भी आंसर क्या हो गया सी आंसर। 148वें देखते हैं, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 148वें का आंसर क्या सी आंसर, ठीक है सी आंसर। 147वें का क्या आंसर बताया मैंने आपको, सी आंसर बताया। 148वें का आंसर बताया मैंने आपको सॉरी बी आंसर, 148वें का है बी आंसर, ठीक है 148वें का बी आंसर। 49 का देखते हैं, 149वें का, 149 का है ए आंसर, यानी कि सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पर तेल पाइपलाइन निर्मित किस में से किन दो शहरों से को जोड़ती है? इसका आंसर ए यानी कि मोतिहारी और आमले खगज। और 150 देखते हैं, 150 का आंसर ए आंसर, ठीक है 150 का है ए आंसर, ठीक है।